तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम रात को 10 बजे हमारी ट्रेन 3 घंटे लेट थी और अहमदाबाद जंक्शन से निकल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अभी हम रात भर ट्रेन में घूमे हैं, अभी लगभग 4 बज चुकी है और 4 बजे आकर हमने देखा कि हमारा स्टेशन आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को बताता हूँ, जो हमारे साथ हुआ वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये देखो 4 घंटे बाद ट्रेन कहाँ खड़ी है। तो भाई, हमारी ट्रेन निकल गई है, निकलो। और भाई, फाइनली पहले इस रूट से गई थी, अब इस रूट से जा रही है, क्योंकि 4 घंटे बाद इधर घुमा के वापस ले आया है अहमदाबाद जंक्शन पर। अब 4 घंटे बाद और भी, यानी कि 4-3-7 घंटे लेट चल रही है अभी ट्रेन। तो गाइस, टाइम हुआ है 4:13 और अब यहाँ से निकल रही है अहमदाबाद जंक्शन से। तो देखते हैं अब उज्जैन कब पहुंचाएगी, क्योंकि पहले जो टाइम था वो अगर यहाँ से 7 निकलती तो सुबह 4 पहुंचाती, लेकिन सुबह 4 यहाँ से निकल रही है तो अब उज्जैन कब पहुंचाएगी, चलिए देखते हैं। पहुंचा रही है 11:14। वेर इज माई ट्रेन पर बता रहा है 11 का टाइम, तो चलिए देखते हैं कब पहुंचाती है। और हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोगों की नींद पूरी हो गई है, ट्रेन में आ गई और ट्रेन वापस यहीं पे आ गई, जिस स्टेशन से हम बैठे थे ना वहीं पे आके खड़ी हो गई। गाइस, फाइनली सेकंड टाइम, बाय बाय अहमदाबाद। दोस्तों, ट्रेन जब 4 रात को अहमदाबाद जंक्शन पर आके रुकी, हमको लगा कि कौन सा हमारे पास का स्टेशन होगा या फिर हमारा स्टेशन होगा, और जाके अचानक देखा ना, आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि वहां पर अहमदाबाद जंक्शन ही लिखा था। क्योंकि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जिस स्टेशन से 6 पहले निकल चुके हैं उसी स्टेशन पर 6 बाद वापस ट्रेन आ जाती है घूम फिर कर। तो ये पहली बार हुआ है हमारे साथ ऐसा। तो हमारी ट्रेन तो पता नहीं कब पहुंचाएगी, इसलिए हम खा रहे जैन के नमकीन, मिक्सचर और गाठी है, क्योंकि सुबह पता नहीं कब पहुंचाएगी, इसलिए जो नाश्ता था अभी खा लेते हैं फिर सोएंगे। तो अभी लगभग 11 है और ट्रेन निकली है रतलाम से, तो उज्जैन पहुंचाने का टाइम भी बढ़ गया है, उज्जैन पहुंचाएगी अब 12। और हम लोग बैठे हुए हैं अभी खिड़की के पास और देख रहे हैं कि कौन से खेत की और कौन से खेत में अभी सोयाबीन नहीं आई है। ये देखो भाई, चंबल नदी जो नागदा के पीछे से बहती है, नागदा के पास से किस तरह से दिखाई दे रही है और किस तरह से बह रही है। और अभी तो इसका पानी बहुत ज्यादा नीचे उतर गया है, बाकी अभी 2 से बारिश हो रही थी तो बहुत ऊपर तक चढ़ी हुई थी, यहाँ तक फैली हुई थी इधर। और ये देखो अंकल जी क्या कर रहे हैं, शायद मछली पकड़ रहे हैं। ये देखो भाई कैसा है यार, यहाँ पर ना मतलब बिल्कुल इधर कुछ भी सेफ्टी नहीं है, गेट के बाहर बिल्कुल नीचे। ये देखो पानी दिखाई दे रहा है बिल्कुल, ये इस तरह से, बाकी जगह जाली वगैरह लगी रहती है लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखो पानी कैसा दिखाई दे रहा है, ये उधर से पानी बह के आ रहा है चंबल नदी का। यहाँ पर देखिए किस तरह से लहरें चल रही है, जैसे समुद्र में लहरें चलती है वैसे चल रही है ये। फाइनली उज्जैन जंक्शन आ गया है। तो गाइस, फाइनली 12 हमारी ट्रेन उज्जैन में आ चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं ट्रेन से, तो चलिए चलते हैं घर की ओर। और हम लोगों को जाना है 22 को वापस रिटर्न अहमदाबाद, तो रिजर्वेशन करवा लेते हैं। हम लोग आए हैं अभी रिजर्वेशन काउंटर पे, ये देखिए अभी हमारा टोकन नंबर चल रहा है 1180 और हमारा है 1186। फाइनली गाइस, घर आ चुके हैं और अब हम लोग खा रहे हैं खाना। तो घर के खाने की बात ही अलग है, क्योंकि हमने बाहर खाना खाया है लेकिन वो मज़ा आता ही नहीं है, जो घर के खाने में आता है ना वो कहीं नहीं आता है। तो गाइस, मैंने व्लॉगिंग के लिए एक नया चैनल स्टार्ट किया है, तो आज से मेरे जो भी व्लॉग आएंगे मेरे उस नेक्स्ट चैनल पर आएंगे, जिसकी लिंक मैं आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जैसा प्यार आप लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, दिखा रहे हो, वही प्यार आप लोग मुझे वहाँ पर दिखाना। मैं बहुत ही अच्छे कंटेंट दूंगा, कहीं पर घूमने जाऊँगा, सारी जगह एक्सप्लोर करूँगा,
तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ नेक्स्ट चैनल पर, वो दूसरे वाले चैनल पर जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।